हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग? आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है 111 टैरेट। ये सिर्फ और सिर्फ एक चैनल नहीं है, ये एक खूबसूरत सी फैमिली है जिसके अंदर हम बहुत सारे प्यारे प्यारे लोग हैं। एंड आई ऑलवेज अमेज्ड एंड रिस्पेक्ट ऑल माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली कि आप सब लोग इतने प्यारे हैं, इतने पॉजिटिव हैं, आप सब लोग मुझे इतना प्यार देते हैं दैट मैं भगवान जी को बहुत ग्रैटिट्यूड देती हूँ उस चीज़ का। थैंक यू सो मच फॉर ऑल ऑफ यू, आपके सारे इतने प्यार की और इतने सारे दुलार के लिए थैंक यू सो मच। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो आप लोगों को पता है कि 7 मार्च को, अभी जो लोग आज के दिन देख रहे हैं आज के दिन, तो 7 मार्च को है फुल मून। ठीक है, तो ये फुल मून आप लोगों को क्या देने वाला है, ये फुल मून आप लोगों के जीवन में क्या बदलाव लेकर आएगा, आज हम इसी चीज़ के बारे में बात करने वाले हैं कि ये फुल मून आपके जीवन को किस तरीके की तरक्की एंड क्या एक न्यू एनर्जीज प्रदान करेगा। सो इस फुल मून की खासियत ये है कि ये होली के दहन पर है, मोर ओवर एक पाइसिस येलो मून भी बोला जाता है इसको, तो ये एक येलो मून भी है। एंड येलो मून्स जो होते हैं वो आपके विश फुलफिलमेंट होते हैं। तो आज के रीडिंग का टॉपिक ये है कि ये येलो मून आपकी लाइफ में कौन से विश फुलफिलमेंट लेकर आ सकता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग को हम लोग कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि इसका इफेक्ट क्या होगा, सेकेंड आप लोगों की एनर्जीज क्या होंगी, थर्ड आप लोग क्या मैनिफेस्ट करेंगे, एंड फोर्थ की कौन से विश फुलफिलमेंट कब तक आपके जीवन में लेकर ये आएगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शंस की तरफ। तो पाइल सिलेक्शन बहुत ही इजी है, आप लोगों ने सिर्फ अपने जन्म की तारीख को पिक करना है। जैसे कि मेरा जन्म हुआ था 28 अक्टूबर को, तो यहाँ पे मैं देखूँगी कि 28 कहाँ पर है, ये रहा, तो 28 अक्टूबर। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना, जैसे कि अगर आपका जन्म हुआ है 11 नवंबर, तो आप लोगों ने यहाँ पे देखना है 11। ठीक है, अगर आप लोगों का जन्म हुआ है 26 सितंबर, तो यहाँ देखना है आपने 26 कहाँ पर, 26 यहाँ पे है। ठीक है, तो किसी भी महीने किसी भी साल की इन तारीखों में अगर आपका जन्म हुआ है तो आप लोगों ने यहाँ से पाइल को सिलेक्ट कर लेना है। पाइल नंबर 1 में हमारे पास 2, 4, 6, 8, 16, 14, 12, 10, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। प्लीज हैव अ लुक। ठीक है, तो अगर यहाँ पर है आपकी बर्थडे तो इसे पिक कीजिएगा गाइस। एंड पाइल नंबर 2 में हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 27, 25, 31। प्लीज हैव अ लुक, यहाँ पे अगर है तो यहाँ को पिक कर लीजिएगा। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। आई होप, आई प्रे एंड आई विश फॉर ऑल माई ब्यूटिफुल सोल फैमिली की रीडिंग आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइज। तो आप लोगों के जो डेट्स हो सकती हैं, जो डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वो हो सकती है 2, 6, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 एंड 30। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आप लोगों की रीडिंग। स्टार्ट करते हैं एंड देखने की कोशिश करते हैं कि ये ब्यूटिफुल फुल येलो वार्म मून आप लोगों के जीवन में क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। ठीक है, सो ऑल अबाउट द ब्यूटिफुल चेंजेस जो ये मून आपके लाइफ में लेकर आएगा। सो स्टार्ट करते हैं, इसको मैं यहाँ रख देती हूँ सो इट विल बी थोड़ा सा विजिबल आप लोगों को। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने बात करी थी कि हम चक्कर देखेंगे कि भाई आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस फुल येलो वार्म मून में। ठीक है, सबसे पहले बिकॉज ये मून थोड़ा सा स्पेशल है, थोड़ा सा स्पेशल इसे आज का इवेंट, आज होली का दहन है, ये बनाता है। सेकेंड, थोड़ा सा इसे डिफरेंट बनाता है क्या चीज़ कि ये येलो गिबीसियस के अंदर हुआ है, मोर ओवर विर्गो के अंदर है, एंड उससे भी बड़ा कि वॉर्म वाला है। सो बहुत सारी चीज़ें ना इफ़ेक्ट करती हैं। तो आज का जो फुल मून है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एंड यस, आई एम डूइंग आप लोगों के लिए
सो लेट्स सी आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है इस फुल मून के बाद और दौरान. ठीक है, तो देखो जो मून्स की साइकिल होती है माय ब्यूटीफुल पीपल, पाइल नंबर वन, मून की साइकिल्स हमारे जीवन में चेंजेस को लेकर आती है. मोर ओवर हमारे इमोशनल स्केल पे बड़ा काम करती है. तो पास्ट में अगर किसी पर्सन की वजह से या किसी इवेंट की वजह से आपका दिल दुखा या आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ या आपको ऐसा लगा कि नहीं मेरी लाइफ काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, मुझे बहुत कुछ करने की ज़रूरत है, ये वो फलाना ढिमकाना, अगर बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आपके साथ हुई हैं पास्ट में, तो प्रेजेंट में मैं ये फील कर रही हूँ कि इस मून का इफेक्ट आपकी उस एनर्जी के ऊपर बहुत स्ट्रांग पड़ने वाला है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो 3-3 पोर्टल अभी चल रहा है. ठीक है, तो आप लोगों को याद हो तो मैंने बताया था, अगर आप लोगों ने 3-3 पोर्टल वाली रीडिंग देखी थी, कि 3-3 पोर्टल क्लीनिंग प्लस बैलेंसिंग लेकर आता है. तो बैलेंस के अंदर इतना बड़ा ये आया है, अब जब तक 4-4 पोर्टल नहीं आएगा तब तक उसका असर चलेगा. तो आप लोगों की जो एनर्जीज़ है ना, इमोशनल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा सरफेस पर आने वाली है. आप पास्ट की चीज़ों को बहुत ज़्यादा सोच सोच के परेशान होने वाले हैं, लेकिन आपने इतना ज़्यादा दुखी होने वाली कोई ज़रूरत नहीं है या अभी चिंतित हो जाने वाली ज़रूरत नहीं है. बिकॉज ये जो एनर्जी है ना ब्रोकन हार्ट वाली, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कार्ड आया हुआ है ना पाइल नंबर वन, तो ये जो ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी आई है ना यहाँ पे, ये बिल्कुल सही आई है. क्योंकि सबसे बेहतरीन चीज़ होती है कि हमारे अंदर के जितने भी डाउट्स हैं, जितने भी नेगेटिव ट्रॉमाज हैं, वो बाहर निकले और वो चीज़ें हमारी लाइफ से ख़त्म हो. राइट, तो ये चीज़ आपके सरफेस पर आएगी एंड आप बैलेंस फील करेंगे आफ्टर सम टाइम. मुझे तो यहाँ पे फीलिंग आती है, देखो 12:40 दोपहर के 12:40 से स्टार्ट होगा ये फुल मून. ठीक है, आज जो भी लोग आज देख रहे हैं 12:40 से ये फुल मून स्टार्ट होगा और ये पूरी दिन पूरी रात नेक्स्ट इवनिंग तक चलने वाला है 7:40 तक, 7:40 PM तक. ठीक है, शाम के 7:40 PM तक, तो तब तक चलेगा. तो उसके दौरान स्टार्टिंग में हो सकता है दोपहर से ही आपको अजीब सी फीलिंग आने लगे पास्ट की कुछ चीज़ों को सोच करके, कि किसने मेरे साथ कैसा रिएक्ट किया, कैसा बिहेव किया, उसने ऐसा क्यों बोला, ये वो, आपको स्टार्टिंग में ना अजीब सा फील होगा. लेकिन जैसे जैसे ये फुल मून चढ़ेगा, जैसे जैसे ये फुल मून विजिबल होगा आप लोगों को, वैसे वैसे आप बहुत ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे एंड आप स्ट्रैटेजीज मेंटेन करेंगे कि अब मुझे कौन सी स्ट्रैटेजीज लगानी है जिससे मैं अपनी लाइफ को सुखद बना सकूं. क्योंकि बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया. आपको ऐसी फीलिंग आएगी अंदर से कि अब बस बहुत हो गया है यार, आई जस्ट नीड अ चेंज. और आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कि जीवन में किसी तरीके के बदलाव के लिए आपको खुद को अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत होती है. जैसे सपोज करें आपके मन में है कि यार मुझे अपने ब्लेमिशेस को, अपने डार्क स्पॉट्स को ख़त्म करना है. एक बहुत ही साधारण सा एग्जांपल लेके समझते हैं कि भाई मुझे ना अपने चेहरे को निखारना है. तो चेहरे को निखारने के लिए ऐसा तो होगा नहीं कि रात को आप कुछ लगा के सोए और सुबह टनाटन एकदम साफ हो गया, ऐसा नहीं होता है. आपको अपनी डाइट का भी ध्यान रखना होता है, आपको अपने बैलेंस का भी ध्यान रखना होता है, आपको एक्सरसाइजेज योगास का भी ध्यान रखना होता है एंड आप अपने स्किन को बाहर से और अंदर से क्या नरिशमेंट प्रोवाइड करें उसका भी ध्यान रखना पड़ता है. तो बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखते 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 स्लो प्रोसीजर होता है, क्योंकि एकदम से तो चीज़ें ख़राब होती नहीं है, धीरे धीरे होती हैं. तो वो भी स्लो 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 15 दिन में, महीने में आपको रिजल्ट देना स्टार्ट करता है. तो किसी भी चीज़ को, किसी भी चेंज को आपके जीवन में अच्छे से आने में कम से कम 15 दिन या 1 महीना तो लगता ही है. एंड ये जो चेंज मैं आपके अंदर देख रही हूँ कि स्टार्टिंग में आपको बड़ा अजीब सा फील होगा एंड फिर आप उस चेंज के अंदर आ जाएंगे, तो आप स्ट्रैटेजीज बनाएंगे एंड स्ट्रैटेजी बनाते बनाते नेक्स्ट फुल मून तक, जो नेक्स्ट फुल मून आएगा 15 दिन बाद जो नेक्स्ट फुल मून आएगा, यू गाइज विल सी द ब्यूटिफुल एफर्ट्स, ब्यूटिफुल पॉजिटिविटी, कि आप इतने ज़्यादा बैलेंस हो गए हैं कि आपको पास्ट की चीज़ें ट्रिगर नहीं करती हैं. ठीक है, आप अपने आप को लेकर के बहुत ज़्यादा सॉलिड रहते हैं एंड आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील होती है. दिस इज वॉट आई एम गेटिंग नाउ. अब मैं सारे कार्ड्स निकाल लेती हूँ आप लोगों के लिए एंड देन वी विल स्टार्ट. इस कार्ड को मैं नहीं ले रही हूँ. अब हम देखेंगे कि हमें ये तो पता लग गया कि स्टार्टिंग में जिन्होंने पाइल नंबर वन को पिक किया है, स्टार्टिंग में आप लोगों की एनर्जी रहेगी इम्बैलेंस, नेगेटिव, परेशान विद अ ब्रोकन हार्ट. एंड धीरे 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 जैसे जैसे वो मून चढ़ेगा, जैसे जैसे रात आएगी, वैसे वैसे आप अपने आप को बैलेंस फील करेंगे, स्ट्रैटेजीज बनाएंगे एंड काम में लग जाएंगे. ठीक है, चाहे फिर वो लव लाइफ को लेकर के परेशानी हो, चाहे फिर वो करियर को लेकर परेशानी हो, इट विल बी सॉर्टेड. King of Swords, the Hierophant, Three of Swords,
द वर्ल्ड, एस ऑफ पेंटिकल, शाबाश, बॉटम ऑफ द डेक द डेविल, ठीक है मैं समझ गई. सो समवन हैव इविल आई ऑन यू गाइस, पाइल नंबर वन पीपल, कोई है जिसके जो है कोई है ऐसा आपके आसपास इंसान जिसकी गंदी नज़र, गंदी सोच एंड गंदी स्ट्रैटेजी आपको लगी हुई है, ठीक है. कोई है जो आपका भला नहीं चाहता है, ये आपके घर में से है, मैं ये भी बता दूँ क्योंकि वर्ल्ड का कार्ड है. अब क्योंकि ये है आपके घर में से है एंड ये आपकी एनर्जीज को बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, बहुत नेगेटिविटी लेकर आएगा, तो आई मस्ट से कि आपको थोड़ा सा ना अपनी एनर्जीज को क्लीन अप करके रखने की ज़रूरत है. जैसे आप डेली सॉल्ट बाथ लें, बालों पे इस्तेमाल मत कीजिएगा नमक के पानी को, वरना आप लोग मुझे भला बुरा बोल देंगे क्योंकि ग्रे हेयर्स हो जाते हैं. ये गलतियाँ मैंने करी हुई हैं एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेज मैं अभी भुगत रही हूँ कहीं ना कहीं. तो ये गलती मत कीजिएगा कि सॉल्टी वाटर को डायरेक्ट ही माथे पे लगाया और धो दिया हो, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, ठीक है, ग्रे हो जाएंगे, यस. एंड थर्सडे के दिन भूल के भी नमक के पानी से नहाने की गलती ना करें, ठीक है. तो आप डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, अपना ऑरा थोड़ा बिल्ड करने की कोशिश कीजिए. अभी कुछ टाइम पहले भी मैंने एक वीडियो में भी समझाया था, मैं वापस एक छोटा सा वीडियो बना दूंगी. बट आप लोगों ने क्या करना है, आपके आज्ञा चक्र जो होता है, जब भी आप घर से बाहर जाएं, आपका आज्ञा चक्र जो होता है उसके ऊपर छोटा सा तिलक लगा दें, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. सो अपने आप को थोड़ा सा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कीजिएगा. आई एम सीइंग ब्यूटिफुल पॉजिटिव चेंज इन यू, जैसा कि मैंने बोला ही था कि स्ट्रैटेजी बनाओगे, आगे बढ़ने की कोशिश करोगे काइंड ऑफ, एंड एक स्पेशल चेंज आप लोगों की लाइफ में मैं देख रही हूँ रिलेटेड टू योर करियर. आपका करियर अगर रुक सा गया है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, या किसी की जॉब चली गई है, थ्री ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, किसी की जॉब चली गई है, या सेटलमेंट फील नहीं कर रहे हैं, या फिर जिस जगह पे भी जॉब करें वहाँ पे सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहे हैं, गाइस समय आ गया है विद द हेरोफेंट कार्ड सेटलमेंट एंड पॉजिटिविटी आप लोग फील करने वाले. हेरोफेंट का कार्ड है, तरक्की आप लोगों को मिलने वाली है. ये ब्यूटीफुल वार्म मून आपको तरक्की देने वाला है. विद दिस किंग ऑफ सोर्ड्स कार्ड, किंग ऑफ सोर्ड्स हमेशा शो करता है तरक्की इन टर्म्स ऑफ करियर. इतनी तरक्की, इतनी पॉजिटिविटी कि आप शांत रहना स्टार्ट कर देंगे and you will enjoy your best days, आपके करियर के बेस्ट डेज. मुझे कुछ लोग ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हैं इस मून के इफेक्ट से एंड आप लोगों का ये ट्रैवल बहुत ही सक्सेसफुल होने वाला है. वर्ल्ड का कार्ड है, मुझे कई लोग फॉरेन जाते हुए लाइक अब्रॉड वगैरह जाते हुए नज़र आते हैं. सेटलमेंट नहीं दिखता है मुझे, हो सकता है कुछ लोग घूमने के लिए पर्पज़ से जाएँ क्योंकि अभी छुट्टियाँ वगैरह का सीज़न भी आने वाला है, या फिर ऐसा हो सकता है वर्ल्ड का कार्ड है कि आप लोग अपने करियर के लिए या कुछ समय के लिए किसी जॉब के लिए कहीं पर आप थोड़ा सा चेंज लें. बिकॉज आई एम सीइंग कि आप जो हैं पाइल नंबर वन पीपल, थोड़ा सा मुझे थोड़ा चेंज नज़र आ रहा है आपके लोकेशंस में. एंड अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आई एम सीइंग सम काइंड ऑफ ऑफर इज ऑल्सो कमिंग विद द एस ऑफ पेंटिकल. मुझे आपके जीवन में किसी तरीके का ऑफर आता हुआ भी नज़र आ रहा है. अब ये ऑफर किसी भी तरीके का हो सकता है, ये कोई करियर का ऑफर हो सकता है, कोई बिजनेस का ऑफर हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई लव का ऑफर हो आपके लिए, ठीक है. सो इट डिपेंड्स, तरक्की अगेन, फोर ऑफ पेंटिकल, New beginning, Ace of Wands, High Priestess, Spiritual Maturity, Seven of Wands, again strategies, and Nine of Pentacles, the Peace. बॉटम ऑफ द डेक चैरियट, बहुत फास्ट. अब देखो कई लोग मुझसे बोलते हैं कि रीडिंग में ऐसा निकल रहा है बट ऐसा हो नहीं रहा है, वाई? देखो एक चीज़ होती है आपके लिए, बार बार यहाँ पर संकेत आ रहा है पाइल नंबर वन पीपल दैट यू गाइज नीड टू मेक स्ट्रैटेजीज. यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी का कार्ड था, यहाँ पे भी स्ट्रैटेजी का कार्ड है. अगर आप लोग स्ट्रैटेजी नहीं बनाएंगे, अगर आप लोग पास्ट के नेगेटिव गंदी एनर्जीज में पड़े रहेंगे, अगर आप लोग लड़ेंगे नहीं, बाहर नहीं आ पाएंगे, तो नेगेटिव एनर्जीज जो चाहती ही हैं कि आपका कभी भला ना हो, आप कभी भी डिवोटी ना हो, आप कभी भी स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव के साथ देखें ना चीज़ों को. तो अगर आप लोग न्यू लाइफ को, न्यू बिगनिंग्स को अपनी लाइफ में नहीं लेकर आएंगे, अगर आप सही नहीं सोचेंगे, तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है. अब ये रीडिंग तो क्या, आप कोई सी भी रीडिंग देख लें जाकर के, कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ ये होगा,
ये होगा, नथिंग एल्स विल हैपन इन योर लाइफ. ठीक है, तो इस चीज़ को करें कैसे? अब कई लोग ऐसे बोलते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा होना भी चाहिए जिसको देख करके पॉजिटिविटी फील हो. अरे एक बात बताइए, आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्या ये अच्छापन नहीं है? आपके सेंस ऑर्गन्स अच्छे से काम कर रहे हैं? क्या आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं? आप इंटरनेट यूज़ कर पा रहे हैं? आपके पास फ़ोन है? आपके पास सांसें हैं? आपके पास खाना है? ठीक है, तो जो भी छोटी मोटी चीज़ें, आपको लगता होगा कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन इन छोटी छोटी चीज़ों को आप देखने की कोशिश कीजिए कि बाहर कितने ही एन नंबर ऑफ़ पीपल हैं जिन्हें ये छोटी छोटी चीज़ें भी नसीब नहीं होती हैं. ये रियलिटी है, पता है, लाइफ की. जब मेरा ना छोटा भाई है, तो उसको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों का होता है कि दीदी मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है. तो आई ऑलवेज़ यूज़ टू टेल हिम कि आप ये देखो ना कि आपके पास क्या चीज़ अभी मौजूद है. एक लॉ होता है, पाइल नंबर वन पीपल. थोड़ा सा टाइम लूँगी मैं आप लोगों को रीडिंग बताने से पहले, मुझे ऐसा लगता है मुझे बताना चाहिए, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. कि आप अगर ये देखोगे ना कि आपके पास क्या है, तो और उसके लिए अगर आप ऐसा फील करोगे कि वाह थैंक गॉड मेरे पास ये है, हे भगवान जी एटलीस्ट मेरे पास ये है ना, तो अगर आप ऐसा सोचोगे तो भगवान और डिवाइन आपको और भरपूर देंगे, उसके अंदर तरक्की देंगे. लेकिन जो अभी आपके पास हाल फिलहाल है, आप उसका सम्मान ना करके जो चीज़ें आपके पास नहीं है उनकी तरफ अगर ज़्यादा भागेंगे, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई भी आपको कुछ भी दे सकता है, सर्व कर सकता है. क्योंकि क्या पता कि जो अभी आपके पास हाल फिलहाल है वो भी आपकी डेस्टिनी में या फिर आपके कर्मों के हिसाब से नहीं था, पर भगवान ने आपको उस चीज़ को दिया है, उस चीज़ से नवाजा है. ठीक है, तो जो अभी है आपके पास उसकी प्लीज़ रेस्पेक्ट कीजिएगा एंड मेहनत करने से मत हारिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए बार बार स्ट्रेटजीज आए, इधर भी स्ट्रेटजी इधर भी स्ट्रेटजी है. तो दिस फुल मून विल गिव यू द ब्यूटिफुल न्यू बिगनिंग ऑफ योर लाइफ. कुछ लोगों के स्पिरिचुअल प्रस्पेक्टिव्स भी बढ़ने वाले हैं, आप लोगों को ऐसा हो सकता है कि डिफरेंट तरीके के ड्रीम्स आए आज रात को, जिस दिन फुल मून है उस दिन. ठीक है, अजीब तरीके के ड्रीम्स आए, आपको मॉर्निंग में उठ करके उन ड्रीम्स को अपनी कॉपी में लिख लेना है. दिस इज़ व्हाट यू नीड टू डू गाइज. ठीक है, ये आप लोगों को करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन ड्रीम्स को डिकोड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उनके अंदर कुछ ना कुछ आपके लिए छुपा हुआ होगा. ठीक है, जो कि आपकी तरक्की, आपकी लाइफ के आगे जर्नी को लेकर के होगा फॉर श्योर. तो ये फुल मून आपके लाइफ के अंदर न्यू बिगनिंग्स एंड न्यू कलर्स भरने वाला है, एंड दिस फुल मून विल रॉक्स योर लाइफ फॉर श्योर. अब देख लेते हैं कि इस फुल मून का जो असर है. ओके, अब देख लेते हैं कि इस फुल मून का जो असर है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा. ओके, सो लेट्स पिक सम कार्ड्स फॉर यू. प्लीज डिवाइनिक एंजल्स बताइए फॉर द पार्ट नंबर वन कब तक देखने को मिल सकता है. एम्परर, बहुत जल्दी. समर सीजन, जब भयंकर भीषण गर्मियाँ पड़ेंगी तब. इस वक्त आप जो भी काम करेंगे वो आपको बहुत स्ट्रांगली देखने को मिलेगा, तो प्लीज़ ढंग से काम कीजिएगा, ऐसे नहीं कि बस भाग रहे हैं. ठीक है, लेट्स सी एडवाइजेस आल्सो फॉर यू. आप लोगों के लिए आया है कार्ड कि ये समय है देने का रेदर देन टेकिंग समथिंग. ऑब्वियस सी बात है, अपने विजन को होल्ड करना सीखें, आपके पास जो कुछ है उसके लिए ग्रैटिट्यूड फील करना स्टार्ट करें. अभी थोड़ी देर पहले बोल के हटी थी मैं ये चीज़. एंड ये समय है कि आप एक्शन लें, पाइल नंबर वन पीपल. ये समय है कि आप एक्शन लें, क्योंकि आप एक्शन लेंगे तो खूबसूरती बढ़ेगी आपके जीवन में. आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा. बॉटम ऑफ द डेक, लुक एट द बिगर पिक्चर ऑफ योर लाइफ. यहाँ पे भी वही चीज़ बोली गई जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले समझाई थी. यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी. तो दिस इज़ ऑल अबाउट आज की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर वन पीपल. तो ये थी आप लोगों की रीडिंग. आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा. तो प्लीज़ प्रिपेयर करिए अपने आप को फॉर अ ब्यूटिफुल चेंज. येस, इट्स अ ब्यूटिफुल फुल मून इन वर्गो, वार्म येलो मून. तो अपना अपना ध्यान रखिएगा, खुद से ढेर सारा वाला प्यार कीजिएगा. एंड येस, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा फॉर द रिचुअल्स.
आज के डे के लिए किस तरीके के रिचुअल्स और क्या करना ज़रूरी है ये मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट करने वाली हूँ। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग जाकर के चेक इन ज़रूर कीजिएगा दैट क्या आप कर सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो इट विल ब्रिंग मोर एंड मोर हैप्पीनेस इन योर लाइफ। तो अपना अपना ध्यान रखें एंड फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पेज रीडिंग्स आप लोग मुझे मेल करें या इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। खुद से ढेर सारा प्यार कीजिएगा। बाय बाय, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाई टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर टू पीपल, आप सब लोग कैसे हैं? आप सब लोगों का बहुत प्यार वाला, बहुत ही सारी हग्स एंड किसेस के साथ वेलकम। सो आप लोगों की बर्थडे डेट्स हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 29, 27, 25, 31st, यानी कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 27, 28, 29 and 31। वाओ तो आप लोगों की रीडिंग चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड इस कार्ड को मैं उधर रख देती हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा विजिबल हो जाए कि ये किसकी रीडिंग चल रही है। यहाँ से थोड़ा सा दिख जा रहा होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ टुडेज रीडिंग फॉर माय ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल पीपल जिन्होंने पाइल नंबर टू को पिक किया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि मैंने आप लोगों को इंट्रो में बताया था कि हम लोग सबसे पहले चेक इन करेंगे कि भाई ये जो ब्यूटीफुल फुल मून है ये एक तो विर्गो के अंदर है, दूसरा होलिका दहन में चल रहा है, तीसरा 3-3 पोर्टल के अंदर है एंड फोर्थ थिंग वार्म मून है। तो इतनी सारी स्पेशलिटीज़ के साथ ये जो फुल मून है, ये फुल मून आपके जीवन में सबसे पहले कौन से पैटर्न्स को इरेज करेगा, मोर ओवर आपके लाइफ के अंदर कौन सी एनर्जीज का समावेश होगा, सबसे पहले हम लोग चेक इन करेंगे आप लोगों की एनर्जीज इस फुल मून के दौरान कैसी रहने वाली है, ठीक है। सो चलिए चेक करते हैं। आई डोंट नो वाई, जब मैं मून्स की रीडिंग करती हूँ आप लोगों के लिए तो आई फील वेरी पॉजिटिव, मुझे एक अलग सी एनर्जी फील होती है आप लोगों के लिए एंड दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग कुछ स्पेशल होने वाला है आप लोगों के साथ, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है। मैं इस कार्ड को देखूंगी ज़रूर पर लूंगी नहीं क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग नहीं आ रही। प्लीज़ डिवाइनिक एंजल्स, द एंजल्स ऑलवेज देयर विद मी फॉर द पाइल नंबर टू, गाइड कीजिए। एंजल ऑफ बैलेंस, एंड मैं अमेज्ड हूँ कि पाइल नंबर वन में भी फर्स्ट कार्ड एंजल ऑफ बैलेंस ही निकला था। हीलर्स ऑफ द एजेस, ब्यूटिफुल अगेन एंड कॉर्नोकोपिया, अब इससे खूबसूरत कोई बात क्या हो सकती है। देखिए हमारी लाइफ के अंदर जो मून साइकिल्स होती हैं, मून इमोशंस को शो करता है, इसलिए अगर किसी का मूलांक या भाग्यांक 2 बनता है ना तो वो लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, ठीक है। एंड चाहे आप 2 भाग्यांक मूलांक वाले हों या ना हो, बट आप लोगों को मून्स हमेशा इफेक्ट करेंगे क्योंकि मून्स का काम ही है आपको इमोशनली ट्रिगर करना, नेगेटिविटी को बाहर लाना, नेगेटिव चीज़ों को फ्लश आउट करना आपकी लाइफ से, ठीक है। तो बताती हूँ, जस्ट गिव मी अ मिनट। बॉटम ऑफ द डेक, मैन होल्डिंग अ कॉइन, तो यहाँ पे बहुत सारे हैंडसम मैन एंड ब्यूटीफुल लेडीज वीडियो को देख रही हैं, तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है पाइल नंबर 1 इन एंड आउट, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है बहुत स्ट्रांग। एंड यहाँ पे कार्ड नंबर 11 है यानी कि 2, और कार्ड नंबर 51 है यानी कि 6, और एंजल ऑफ बैलेंस कार्ड नंबर 48 जो कि आगे चल के 11 और फिर 2 बन जाता है ना, 8, 9, 10, 11, 12, 3, ठीक है, 3 बन जाता है। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए स्ट्रांग एनर्जीज आ रही हैं कि आप लोग या तो बाय बॉर्न हीलर हैं या फिर आपकी एनर्जीज कुछ इस तरीके की हैं कि आपने हीलिंग्स को अपनी लाइफ के अंदर उतारा है, आप अपनी हेल्प करते हैं इसके थ्रू, आप लोगों की हेल्प करते हैं, यू गाइज आर मैनिफेस्टर, या ऐसा कह लो कि आप लोग कोई रिचुअल भी इस्तेमाल नहीं करते हैं ना फॉर मैनिफेस्टिंग एनीथिंग, लेकिन फिर भी आप मैनिफेस्ट कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि आप लोगों की जो पावर्स है, आप लोगों का जो थिंकिंग पैटर्न है, इसलिए उस टाइम वो थिंकिंग मैन का कार्ड गिरा था। नाउ आई अंडरस्टैंड कि गिरा नहीं था, मैंने पिक किया था कि आप लोगों का जो थिंकिंग पावर है, जो थिंकिंग कैपेसिटीज है, वो इतनी डिफरेंट एंड इतनी माइंड ब्लोइंग है दैट पीपल गॉट अट्रैक्ट फ्रॉम यू बाय दैट, है ना, एंड आप बहुत सारी और चीजों को अट्रैक्ट करते हैं।
तो अगर अब हम बात करें कि आप लोगों की एनर्जीज कैसी रहने वाली है पाइल नंबर वन पाइल नंबर टू पीपल इस फुल मून के दौरान, देखो ये फुल मून 12:40 से स्टार्ट होगा एंड नेक्स्ट इवनिंग रात को 7:40 तक रहने वाला है, 7:40 तक। तो दोपहर 12:40 से आप लोगों को बहुत ज़्यादा शांति महसूस होने वाली है, चाहे आप लोगों की तबीयत ख़राब हो, चाहे आप लोगों को पैसे की झिकझिक है, चाहे आप लोगों को प्यार में किसी तरीके की नेगेटिविटी, लाइक वट एवर द कंडीशन एंड इशूज़ आपकी लाइफ में चल रहे हों, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रांग एनर्जीज आनी है कि इस फुल मून के दौरान आप बहुत ज़्यादा कामनेस फील करेंगे, आप लोग बहुत ज़्यादा शांति महसूस करेंगे। हीलर्स ऑफ एजेस का कार्ड है, बैलेंस का कार्ड है, आप लोग बहुत ज़्यादा शांति, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फील करेंगे एंड यू गाइज विल बी लाइक कि जो हो रहा है होने दो, जैसे चल रहा है चलने दो, मुझे पता है, मैं बहुत श्योर हूँ कि चीज़ें आगे चल करके बहुत क्लियरली अचीव होने वाली है। तो आप लोगों की जो एनर्जीज है वो बहुत ज़्यादा शांत रहती चली जाएंगी एंड जैसे जैसे रात चढ़ेगी वैसे वैसे आप और ज़्यादा बैलेंस फील करेंगे एंड अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे। आपको अपनी लाइफ को लेकर के होप महसूस होगी, कोई भी होपलेस कंडीशन भी चल रही है ना तो उसमें भी आपको होप फील होगी एंड आपके पास में किसी तरीके का दरवाज़ा खुलेगा, आपकी लाइफ के अंदर किसी तरीके की अपॉर्चुनिटी का गेट या अपॉर्चुनिटी का कोई ड्रीम या कोई अपॉर्चुनिटी का आपको थॉट आएगा जिसके ऊपर अगर आप काम करेंगे तो कॉर्नोकोपिया आपको मिलकर रहेगा। कॉर्नोकोपिया यानी कि अबेंडेंस की फ्लड। ओके, सो पाइल नंबर टू पीपल, इस तरीके की तो चलो एनर्जीज आप लोगों की रहने वाली हैं एज वी सी। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए जो फुल मून है क्या लेकर और आ रहा है, क्योंकि हमने एनर्जीज देखी यहाँ पे कितनी खूबसूरत आई हैं कि आप सबसे पहले शांत महसूस करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, 12:40 से एंड जैसे जैसे रात परवान पे चढ़ेगी, जैसे जैसे मून आएगा, जैसे जैसे मून चढ़ेगा क्लियरली, वैसे वैसे आप इतना पॉजिटिव, इतना बैलेंस फील करेंगे। एक चीज़ मैं बोलूँगी, आप लोगों को ना अपने हार्ट चक्रा के ऊपर थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है पाइल नंबर टू। आप लोग हार्ट चक्रा का जो बीज मंत्र है ना, प्लीज़ उसे चैंट करना स्टार्ट करें एंड अगर आप लोगों को नहीं पता बीज मंत्र क्या है तो मैं डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में पिन कर दूँगी, ठीक है, प्लीज़ थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। Four of Wands, beautiful. मुझे यहाँ पे ना जिंगल्स सुनाई दे रही हैं, जिंगल्स पता है ना आप लोगों को जिंगल्स क्या होती हैं, जो क्रिसमस कैरोल्स और जिंगल्स होती है ना, मुझे वो बहुत, मतलब एक तरीके का सॉफ्ट म्यूजिक, लिटरली आई एम फीलिंग एंड लिसनिंग। ठीक है, और कार्ड्स निकाल लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक स्ट्रेंथ, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। ओके, सो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर टू पीपल, आप लोगों के लिए ये फुल मून, मैंने बोला ही था, ऊर्जा को बहुत स्ट्रांगली क्रिएट कर रहा है। अगर आप लोग अभी तक अनमैरिड हैं या फिर आप एक सुटेबल सेटल पर्सन ढूंढ रहे हैं या फिर आपको मिल नहीं रहा है या आप सोच रहे हैं कि कब आएगा, कैसा होगा, क्या होगा, इफ़ यू गाइज हैव वेट फॉर द फ्यूचर स्पाउस स्पेशली, ठीक है, आई एम सीइंग कि आपके स्पाउस आपको मिलने वाले हैं, आपके स्पाउस से आप इस दौरान मिलने वाले हैं, ये आपके घर वालों की तरफ से एंड बहुत कम केसेस में, ज़्यादातर केसेस में आई एम सीइंग घर वालों की तरफ से एंड बहुत कम केसेस में आई एम सीइंग कि आपको खुद से मिलने वाला है। आपकी जो, अगर कोई नेगेटिव रोमांटिक साइकिल चल रही थी, नेगेटिव रोमांस जिसे हम बोलते हैं कि किसी तरीके का बर्डन देना या परेशान होना किसी चीज़ पे, वो ख़त्म होने वाला है। ओके, आपको अगर किसी पर्सन का इंतज़ार है, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ पीपल हेयर जो कि वेट कर रहे हैं इस फुल मून के दिन, वो बहुत गंदे तरीके से आपके जो एक्स हैं या जिनसे अभी आपका नो कॉन्टैक्ट है वो आपको ट्रिगर करेंगे एंड फॉर श्योर वो आपकी लाइफ के अंदर वापस से एंट्री लेंगे, वो आपको मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपने फ़ोन को अपने पास ज़रूर रखिएगा बिकॉज आई एम सीइंग कि कोई आपको स्ट्रांगली मैसेज करने वाला है, ठीक है। तो किसी एक्स का मैसेज,
किसी न्यू पर्सन का लाइफ के अंदर आना एंड कुछ न्यू प्रपोजल्स आप लोग इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस फुल मून से। मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग आप लोगों के लिए एनर्जी फील कर रही हूँ कि जिन लोगों की शादियाँ नहीं हो रही हैं या शादी में विघ्न आ रहे हैं या टाइम बहुत लग रहा है, गाइज आप लोगों की शादियाँ हो रही हैं, आप लोग बहुत स्ट्रांगली आगे बढ़ रहे हैं एंड आपकी तरक्की होने वाली है। मुझे यहाँ पे ना कुछ लोग, अगर मैं इस फर्स्ट लाइन को देखूँ तो मुझे यहाँ पे कुछ लोग ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा परेशान एंड बहुत सारी होती ना कई बार चीज़ें होती हैं, यार इस चीज़ से भी दुखी हूँ मैं, तो इस चीज़ से भी दुखी हूँ, ये मेरे लाइफ में क्यों हो रहा है, वो मेरी लाइफ में क्यों हो रहा है, तो इस चीज़ से कई लोग जो है बाहर निकलने वाले हैं। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर आप लोगों की लड़ाई झगड़ा एंड एंगर इश्यूज़ बहुत ज़्यादा आ रहे हैं तो वो ख़त्म होने वाले हैं, ठीक है। आपके घर में हो सकता है कोई पेट लव आए, ठीक है, एंड आप लोगों के घर में किसी तरीके की धूमधाम, किसी तरीके की मस्ती मजाक इन्जॉयमेंट कुछ होने वाला है। मुझे यहाँ पे हैप्पी डेज के कार्ड्स बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं कि आपने पास्ट में बहुत सारी नेगेटिविटीज़ को देखा है एंड राइट नाउ आपके लाइफ के हैप्पी डेज आ गए हैं। दिस इज़ वॉट आई एम गेटिंग यहाँ पे आप लोगों की एनर्जी से। सेवन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, तो आई मस्ट से कि बहुत सारा यू नो मनी फ्लो, मोर ओवर बहुत सारी स्ट्रेटजीज आप लोग जो है बनाने वाले हैं, जैसे कि ये पर्सन किस तरीके से इस पेड़ को एनर्जीज प्रोवाइड कर रहा है ताकि ये बिल्ड हो सके। तो मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ कि आप भी कहीं ना कहीं बहुत सारी एनर्जीज प्रोवाइड करने वाले हैं अपनी ही स्ट्रेटजीज को, जिससे कि आप कुछ बड़ा क्रिएट कर सके अपनी लाइफ के अंदर। एंड एस ऑफ कप्स का कार्ड है, तो कोई सोलमेट आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा प्यार और स्नेह महसूस होगा। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि अगर आप लोग एग्ज़ाम वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है या एग्ज़ाम देना है या कुछ एग्ज़ाम के प्रिपरेशंस कर रहे हैं, सो आई एम सीइंग कि आपका वो काम भी होता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। आप लोग मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज इकट्ठे करते हुए एंड कुछ बड़ा क्रिएट करते हुए नज़र आते हैं। इस फुल मून के बाद से आपको पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज अपॉर्चुनिटी आपके पास इतनी खूबसूरत आ जाएंगी। डेथ का कार्ड है, इस न्यू मून, इस फुल मून के बाद में यू गाइज विल फील अ काइंड ऑफ पॉजिटिव चेंज आपकी खुद की एनर्जीज़ में। मोर ओवर आपको महसूस होगा कि मेरी लाइफ का एक नया उदय हुआ है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है एंड मैं कितना हैप्पी एंड कितना पॉजिटिव फील कर पा रहा हूँ, ठीक है। मुझे कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग नज़र आ रही है कि ट्रैवलिंग जैसे कि ख़त्म हो रही है या कोई लास्ट ट्रैवल करने वाले हैं, उसके बाद एक लंबे अंतराल तक ट्रैवल नहीं करेंगे, ओके। ब्यूटिफुल, आप लोगों को स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव बढ़ रहे हैं गाइस। पाइल नंबर वन में भी ये चीज़ आई थी, आप लोगों के लिए भी आई है। आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल है लेकिन आपका स्पिरिचुअल परस्पेक्टिव और बढ़ने वाला है एंड आप लोग इंजॉयमेंट करने वाले हैं, आप कहीं जा रहे हैं इंजॉय करने के लिए। दिस इज ऑल्सो आई एम गेटिंग, आप लोग कहीं इंजॉय करने जा रहे हैं, ठीक है। एंड आपकी कोई विश है, ओके, आपकी कोई पर्टिकुलर विश है, या तो क्योंकि बहुत सारे लोग देखने वाले हैं वीडियो तो इट्स अ जनरल रीडिंग, या तो आपकी कोई विश है आपके घर परिवार से रिलेटेड, या कोई विश है आपकी लव से रिलेटेड, या फिर करियर से रिलेटेड। इन तीनों में से अगर कोई भी आपकी कोई विश है तो वो कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। लेट्स सी वो विश आपकी कब तक कंप्लीट होगी। वी हैव अगेन डेथ का कार्ड, बहुत जल्दी, इसका टाइम प्रेडिक्टेबल नहीं है लेकिन डेथ का कार्ड हमेशा नियर अबाउट 11 दिन, ठीक है, या फिर एक महीने का टाइम बोलता है। तो 11 दिन बाद तो अगेन न्यू मून आने वाला होगा, है ना। तो आई एम सीइंग कि डेथ का कार्ड है, दैट मीन्स कम से कम आप मान के चलो 15 दिन या एक महीना, 15 दिन या एक महीने के अंदर अंदर ये सारे विजिबल चेंजेस आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ लेट्स सी आप लोगों के लिए एडवाइसेस फ्रॉम द ब्यूटिफुल मूनोलॉजी स्प्रेड। जितना हो सके उतना अपने आप से प्यार करने की कोशिश करें। कई बारी मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो खुद से प्यार करते नहीं हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं कि ये मुझे प्यार दे देगा, ये मुझे सम्मान दे देगा, कभी नहीं, घंटा बिल्कुल नहीं, नेवर एवर। कोई भी आपको प्यार नहीं करेगा जब तक अगर आप अपने आप को प्यार नहीं करेंगे, ये रियलिटी है, ठीक है। क्योंकि आप जो एनर्जीज डिवाइन को दे रहे हैं वही तो आप पा रहे हैं, तो ये समय है अपने आप को हील करने का, ये समय है कि अपने जीवन में प्यार लेकर आया जाए, सिचुएशन में पॉजिटिविटी लाई जाए, फेथ रखा जाए अपने सपनों में और
अपनी नेगेटिव साइकिल्स को ख़त्म करके पॉजिटिविटी के अंदर आया जाए. ओके, सो पाइल नंबर टू पीपल, ये थी आप लोगों की रीडिंग. ये फुल मून आप लोगों के जीवन में बहुत सारे ब्यूटीफुल ट्रेमेंडस ग्रोथ लेकर आ रहा है. तो कैसा लग रहा है आप लोगों को, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल. एंड येस, आज के फुल मून के रिचुअल्स मैं इंस्टाग्राम पर पोस्ट करूँगी, तो आप लोग इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलिएगा. और किसी भी तरीके के पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं. तो खुद से ढेर सारा वाला प्यार करें, खुद से बहुत 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 ज़्यादा प्यार करें, ताकि आपके जीवन में सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएबल प्यार वाली ही चीज़ें आएँ. ओके, लव यू ऑल आउट गाइज, अपना अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय.